कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आपके घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। याद रहे बच्चों कि आप सभी को एपिसोड देखने के बाद अपने पाठ्यपुस्तक से इस पाठ को जरूर पढ़ लेना होता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और आपके किताब में दिए गए सभी सवालों को भी बना लेना होता है। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज का पाठ जिसका नाम है शंकु परिच्छेद। इसी को हम अंग्रेजी में कोनिक सेक्शंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं इसी पाठ की पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा विभिन्न प्रकार के वक्रों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने जाना वृत्त, फिर हमने देखा परवलय और उसके बाद हमने जाना दीर्घवृत्त। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे एक नए वक्र के बारे में अति परवलय और देखेंगे उसका मानक समीकरण यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इसको शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि अति परवलय होता क्या है। एक अति परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का अंतर अचर होता है। अब यदि इसी परिभाषा को मैं आकृति की सहायता से समझना चाहूं, तो दोस्तों परिभाषा में जिन दो स्थिर बिंदुओं की चर्चा की गई है वह आपके सामने आकृति में निर्दिष्ट है, जिसमें पहले बिंदु के निर्देशांक हैं h + c, k और दूसरे बिंदु के निर्देशांक हैं h - c, k। अब यदि पहला जो बिंदु है h + c, k उसकी दूरी ज्ञात करूं मैं किसी और बिंदु h, k से, तो जो दूरी का हम अंतर प्राप्त करेंगे वो केवल एक्स अक्ष के निर्देशांकों का होगा। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए कि आप देखिए दोनों ही बिंदुओं में वाई अक्ष के जो निर्देशांक हैं वो बराबर हैं, यानी वाई अक्ष पर बराबर दूरी तय की गई है। तो जब आप एक्स अक्ष के निर्देशांकों का अंतर प्राप्त करेंगे तो वो होगा एच प्लस सी माइनस एच, जो की बराबर होगा सी के। ठीक उसी प्रकार यदि बिंदु h, k से मैं दूसरे स्थिर बिंदु जिसके निर्देशांक h - c, k हैं, इनके बीच की दूरी का अंतर ज्ञात करना चाहूं, तो वो कैसे हल होगा? h - ब्रैकेट में h - c। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको फिर से c प्राप्त होगा। अब यहाँ गौर देने वाली दोस्तों बात ये है कि जब आपने दोनों स्थितियों में x अक्ष के निर्देशांकों की दूरी का अंतर प्राप्त किया तो आपको एक अचर मान c प्राप्त हुआ, यानी बिंदु h, k जैसे सभी बिंदुओं का यदि आप समुच्चय लें तो वो एक अति परवलय का निर्माण करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अति परवलय से संबंधित कुछ और पद। आपके सामने एक अति परवलय का चित्र निर्दिष्ट है। इस आकृति में देखिए दोस्तों F1 और F2 दो नाभियां हैं, जैसा कि आप पहले दीर्घवृत्त में देख चुके हैं, क्योंकि अति परवलय एक तरफ x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है और एक तरफ x अक्ष के धनात्मक दिशा में है, तो इसी कारण इसकी दो नाभियां होंगी F1 और F2। ये जो मध्य में मूल बिंदु है इसे हम केंद्र के नाम से जानते हैं और जो हमारा x अक्ष है इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ अक्ष यानी ट्रांसवर्स एक्सिस, और जो हमारा दूसरा अक्ष है y अक्ष यानी संयुग्मी अक्ष,
इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सेस। आखिरी पद जो हम जानेंगे वो ये होगा, क्योंकि नाभियां दो हैं और जो हमारा अति परवलय है वो ऋणात्मक और धनात्मक दो दिशाओं में वितरित है, तो जो यहाँ पर शीर्ष होंगे वो भी दो होंगे, एक धनात्मक दिशा में और एक ऋणात्मक दिशा में। पदों को जानने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शीर्षों के बीच में कैसे दूरी ज्ञात करेंगे और नाभियों के बीच में कैसे हम दूरी ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप इस आकृति में देख पा रहे होंगे, बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। ये दोनों क्या हैं? ये अति परवलय के शीर्ष हैं। तो एक अति परवलय आपको यदि दिया हुआ है और आप उसके दो शीर्षों के बीच दूरी ज्ञात करते हैं तो उसका मान होता है 2a। और जब आप दो नाभियों के बीच का दूरी ज्ञात करना चाहें, यानी F2 और F1 जो दो नाभियां हैं इनके बीच की दूरी आप ज्ञात करना चाहें तो उसका मान होता है 2c। जो नाभियां थी, जो शीर्ष थे, वो सभी अनुप्रस्थ अक्ष यानी x अक्ष पर स्थित थे। आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं संयुग्मी अक्ष के बारे में। हम राशि b को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। आकृति में गौर से देखिए दोस्तों, ये है राशि b और ये स्थित है संयुग्मी अक्ष पर। इसको यदि आप प्राप्त करना चाहें, इसका मान ज्ञात करना चाहें, तो आप कैसे करेंगे? इसका सूत्र होता है b बराबर अंडर रूट c² माइनस a² और जो संयुग्मी अक्ष की लंबाई होती है वो होती है 2b। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए कि यहाँ पर देखिए जो b है वो संयुग्मी अक्ष पे धनात्मक दिशा में तय की गई दूरी है और ऋणात्मक दिशा में भी ठीक इसी मान की b दूरी तय की जाती है। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान 2b आता है। अब हमें अचर राशि p1f2 माइनस p1f1 का मान ज्ञात करना है, वो हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इस आकृति में यदि a तथा b बिंदु पर हम p को रखें, यहाँ पे देखिए ये है बिंदु a और ये है बिंदु b, इसके स्थान पर यदि आप p रख दें तो जो समीकरण हमें ज्ञात करना है वो बन जाएगा bf1 माइनस bf2 बराबर af2 माइनस af1। आकृति की सहायता से समझते हैं, ये bf1 माइनस bf2 ये क्या है? ये अति परवलय की परिभाषा के अनुसार दूरी का अंतर है जो कि अचर रहेगा। आकृति में देखेंगे तो ये होता है आपका bf1 और इसमें से जिसे हमें घटाना है वो ये है bf2। जब आप दूसरा अंतर ज्ञात करेंगे तो समीकरण में लिखा हुआ है af2 माइनस af1। तो आकृति में गौर से देखिए af2 चित्रित है, इसमें से आपको जिसे घटाना है वो है af1 और इनका मान जो है वो आपस में बराबर हो जाएगा इन दोनों के अंतर का। क्यों? क्योंकि अति परवलय की परिभाषा में यह बताया गया है। इसी को जब हमने आगे हल किया तो देखा कि BF1 को हम BA प्लस AF1 लिख सकते हैं। आकृति में देखिए B से F1 तक के बीच में एक बिंदु आ रहा है A, तो आप BF1 को BA प्लस AF1 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार AB प्लस BF2 ये क्या है? ये है AF2। आकृति में देखिए A और F2 के बीच में एक बिंदु B है, A से B और B से BF2, इनको जब जोड़ दिया जाएगा तो आपको मान प्राप्त होता है AF2। अब दोस्तों जब आप इस समीकरण को हल करेंगे तो देखेंगे वाम पक्ष में भी BA है और दाएं पक्ष में भी AB है, ये आपस में हट जाएंगे, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और बचे हुए समीकरण को जब आप हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा AF1 बराबर BF2, यानी जो बिंदु A शीर्ष से नाभि की दूरी है AF1 वो बराबर है
दूसरे शीर्ष से दूसरी नाभि के, यानी आगे जब हमने इस समीकरण को हल किया तो आपने देखा हमारे वाम पक्ष में था BF1 माइनस BF2, BF1 को हमने खोल दिया BA प्लस AF1 और BF2 जो है वो वैसे का वैसा ही रहा। अब आप देखेंगे समीकरण में AF1 माइनस BF2 है और इन दोनों का ही मान आपस में बराबर है, तो जब ये कट जाएंगे तो आपको केवल BA प्राप्त होगा। और BA क्या है? बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी, यानी दो शीर्षों के बीच की दूरी, जिसका मान हमें 2A याद है। आगे बढ़े तो हमने देखा एक अगला विषय, अति परवलय का मानक समीकरण, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। आपके सामने एक अति परवलय का चित्र निर्दिष्ट है। अब कहा गया है कि अति परवलय का केंद्र मूल बिंदु पर और नाभियां x अक्ष और y अक्ष पर स्थित हो तो अति परवलय का मानक समीकरण सरलतम होता है और ऐसे दो संभव दिग्विन्यास आकृति में दर्शाए गए हैं। आपके सामने अभी केवल एक ही आकृति है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे और इसके बाद हम देखेंगे एक अन्य प्रकार के अति परवलय के बारे में। तो अति परवलय का जो केंद्र है वो ये है मूल बिंदु और नाभियां जो है वो x अक्ष पर स्थित है। जैसे देखिए माइनस सी कॉमा जीरो, ये है पहली नाभि जो कि ऋणात्मक दिशा में है और दूसरी नाभि है सी कॉमा जीरो। दोनों ही x अक्ष पर यदि निर्दिष्ट हो तो दोस्तों जो इसका समीकरण आता है वो आता है x स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 1। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे प्रकार के अति परवलय को। इस अति परवलय का जो केंद्र है वो ये है और नाभियां जो है वो y अक्ष पर स्थित है। देखिए 0, c और 0, c। अब यदि अति परवलय इस प्रकार का हो तो इसका जो समीकरण होता है वो होता है y स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 1। ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि नाभियां जिस अक्ष पर स्थित होंगी उसका मान आपको उसी के नीचे लिखना है। कैसे? यहाँ पर नाभियां y अक्ष पर स्थित है तो y बटा a, यानी जो शीर्ष के निर्देशांक होंगे उनको आप लिखेंगे y के नीचे, और यदि जो नाभियां वो x अक्ष पर स्थित हैं, तो जो शीर्ष के निर्देशांक है वो आएंगे x के नीचे। इस तरीके से यदि आप इसको याद रखेंगे तो परीक्षा में आए गए प्रश्नों को आप सरलता से हल कर सकते हैं। आगे बढ़े और हमने जाना अति परवलय की एक विशेष स्थिति के बारे में। जब अति परवलय इस प्रकार का हो, यानी आकृति में दर्शाया गया जो अति परवलय है उसकी नाभियां x अक्ष पर स्थित है, इसका जब हमने समीकरण देखा तो वो हुआ x स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटा a स्क्वायर बराबर 1। स्थिति ये है दोस्तों कि यदि a का मान b के बराबर हो जाए तो समकोणीय अति परवलय कहलाएगा, यानी कोई अति परवलय जिसमें a और b आपस में बराबर होते हैं हम उसको समकोणीय अति परवलय के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे हमें प्राप्त क्या हुआ। अति परवलय के समीकरण से हम यह निष्कर्ष पाते हैं कि अति परवलय पर प्रत्येक बिंदु x, y के लिए x square बटा b square बराबर होता है 1 जमा y square बटे a square, और इसका मान हमेशा 1 या 1 से बड़ा होता है। यदि y बटा a का जो ये स्क्वायर वर्ग लिया जा रहा है इसका मान 0 हो जाए तब भी पूरे का मान जो है वो 1 तो रहेगा ही, और यदि y बराबर a एक छोटे से छोटा मान भी हो, ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि वर्ग लिया गया है, जो भी होगा धनात्मक होगा और जब वो 1 से जुड़ेगा तो मान जो आएगा वो 1 से बड़ा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसी पर आधारित एक उदाहरण। उदाहरण में कहा गया है नाभियां दे रखी हैं जिसके निर्देशांक हैं 0, +-3 और
शीर्षों के निर्देशांक है 0.±√11/2 और कहा गया है कि अति परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। तो हमें एक ऐसे अति परवलय का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी नाभियां और शीर्ष इनके निर्देशांक ऐसे दिए हैं। सबसे पहली चीज जो देखनी है दोस्तों आपको कि नाभियों के जो निर्देशांक है उसमें वाई निर्देशांक जो है वो 3 है, यानी जो अति परवलय बनाया गया है वो कैसा होगा, वो वाई अक्ष पर नाभियां हो ऐसा होगा और शीर्ष जो है वो भी वाई अक्ष पर होंगे क्योंकि नाभि जो है वो वाई अक्ष पर है। तो आइए हल देखते हैं, क्योंकि नाभियां वाई अक्ष पर है इसलिए अति परवलय का समीकरण कैसा होगा, वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई अक्ष की चर्चा की गई है और शीर्ष का जो मान है वो कहाँ लिखा जाता है, वाई के नीचे, यानी जिस अक्ष पर नाभि स्थित होती है उसके नीचे। तो वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर ए। शीर्ष जो है वो दिया गया है 0.±√11/2 और यदि मानक शीर्ष देखा जाए तो वो होगा 0.±a। तो तुलना करने पर a का मान प्राप्त होता है √11/2 और क्योंकि नाभियों के निर्देशांक है 0.±3 तो c का मान हुआ 3 और b स्क्वायर का मान होता है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। b का मान निकालना है क्यों, क्योंकि समीकरण में हमें x के नीचे b का वर्ग लिखना है। तो c का वर्ग यानी 3 का वर्ग 9 माइनस a का वर्ग यानी √11/2, इसको जब आप हल करेंगे तो आपको मान प्राप्त होता है b बराबर √25/2। तो जो समीकरण होगा वो होगा y स्क्वायर बटे a का वर्ग यानी 11/4 माइनस x स्क्वायर बटे b का वर्ग यानी 25/4 जो कि बराबर होता है 1 के। अर्थात जब आप इस समीकरण को हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा एक अभीष्ट समीकरण 100y²-44x² = 275। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अति परवलय से संबंधित एक और पद उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी। दीर्घवृत्त की तरह ही अनुपात e=c/a को हम अति परवलय की उत्केंद्रता कहते हैं। c जो है वो नाभि का निर्देशांक होता है और a जो है वो शीर्ष का निर्देशांक होता है। दोस्तों आप इस सूत्र को अच्छे से याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि जब आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा तो उसमें केवल आपको मानक समीकरण में से a, b और c का मान ज्ञात करना है और आप जैसे ही इस सूत्र में उसको डालेंगे तो आपको उत्केंद्रता प्राप्त हो जाएगी। इस पाठ से बहुत सरल प्रकार के प्रश्न आते हैं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब क्योंकि c का मान हमेशा a के बराबर या a से बड़ा होता है इसलिए उत्केंद्रता कभी भी 1 से कम नहीं होती है। कहा गया है कि c का मान या तो a है, इस स्थिति में यदि आप e बराबर ले a बटा a तो आपको 1 प्राप्त होगा और दूसरी स्थिति में कहा गया है कि c का मान जो है वो a से बड़ा है, यानी जब आप देखेंगे इस भिन्न को और c का मान जो है वो a से बड़ा होगा तो e का मान जो है वो 1 से बड़ा आएगा। तो इस स्थिति में उत्केंद्रता कभी भी 1 से कम नहीं हो सकती। और उत्केंद्रता के संबंध को यदि आप गौर से देखें, a को आप बाएं पक्ष में ले जाएं तो c का मान होता है ae, यानी नाभिया केंद्र से ae की दूरी पर होती है। आइए दोस्तों इसी पर आधारित एक उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण में आपको एक अति परवलय का समीकरण दिया गया है और हमें इसी अति परवलय की उत्केंद्रता तथा नाभि और शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो जो दिया हुआ समीकरण है x²/9² - y²/16 = 1, इसकी हमें मानक समीकरण से तुलना करनी होगी जिससे हमें प्राप्त होगा a का मान 3 और b का मान 4। क्योंकि हमें प्राप्त है कि c का मान होता है √a² + b², तो जब आप इस सूत्र में a और b का मान डाल देंगे तो होगा 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग
यानी अंडर रूट में 9 जमा 16। आप इसको जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होता है 25 का वर्गमूल, जिसको हल करने पे आएगा 5। तो सी का मान आपको 5 प्राप्त हो गया। इससे हमें ये ज्ञात हुआ कि नाभियों के जो निर्देशांक हैं वो है ±5.0। और क्योंकि हमें ए का मान ज्ञात है तो शीशों के निर्देशांक होंगे ±3.0। तो केंद्रता का मान होता है ई बराबर सी बटा ए, सी का मान है 5 और ए का मान है 3, यानी 5/3। आगे बढ़े तो हमने देखा एक और पद जो है नाभिलंब जीवा यानी लेटस रेक्टम। इसकी परिभाषा जानते हैं, अति परवलय की नाभियों से जाने वाली और अनुप्रस्थ अक्ष पर लंबवत रेखाखंड जिसके अंत्य बिंदु अति परवलय पर हो उनको अति परवलय की नाभिलंब जीवा कहते हैं। दीर्घवृत्त की भांति यह दर्शाना सरल होगा कि नाभिलंब जीवा की लंबाई 2b² / a है। तो इस पर भी बच्चों एक छोटा सा प्रश्न आ सकता है, आपको जब समीकरण दिया होगा अति परवलय का तो आपको b का मान प्राप्त होगा और a का मान प्राप्त होगा। जैसे ही आप उसको इस सूत्र में डालेंगे 2b² / a तो आपको नाभिलंब जीवा का मान प्राप्त हो जाएगा। आइए समझते हैं एक उदाहरण की सहायता से कि इसको हम कैसे करेंगे। दिए गए अति परवलय के समीकरण से अति परवलय की हमें नाभिलंब जीवा ज्ञात करनी है। जो समीकरण आपको दिया है वो है x²/9 - y²/16 = 1। तो यहाँ से आप जब मानक समीकरण से इसकी तुलना करेंगे तो a का मान आएगा 3 और b का मान आएगा 4। जब आप c निकालेंगे तो वो होगा √a² + b², जिसको यदि आप हल करेंगे a और b का मान डालकर तो वो आएगा 3 का वर्ग यानी 9 + 4 का वर्ग यानी 16, जो कि होगा √25 यानी 5। तो जो नाभिलंब जीवा की लंबाई है वो है 2b² / a, b का मान है 4, 4 का वर्ग होगा 16, 16 गुना 2 करोगे तो आएगा 32/a का मान जो है 3। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई हुई 32/3। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा ये पाठ जो है वो पूरी तरह संपन्न हुआ। इस पाठ में हमने पढ़ा वृत्त के बारे में, परवलय के बारे में, दीर्घवृत्त के बारे में और अति परवलय के बारे में। अब हम पाचन एवं अवशोषण पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाचित उत्पादों का अवशोषण और पाचन तंत्र के विकार और अनियमितताएं। पाचित उत्पादों का अवशोषण। अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद यांत्रिक म्यूकोजा से निकलकर रक्त या लसिका में प्रवेश करते हैं। यह निष्क्रिय, सक्रिय एवं सुसाध्य परिवहन क्रिया विधियों द्वारा संपादित होता है। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, क्लोराइड आयन आदि की थोड़ी मात्रा सरल वितरण प्रक्रिया द्वारा रक्त में पहुंच जाती है। इन पदार्थों का रक्त में पहुंचना सांद्रण प्रवणता यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर निर्भर करता है। जबकि फ्रक्टोज और कुछ अन्य अमीनो अम्लों में परिवहन वाहक अणुओं जैसे सोडियम आयन की मदद से पूरा होता है। इस क्रिया विधि को सुसाध्य परिवहन कहते हैं। जल का परिवहन परासरणी प्रवणता पर निर्भर करता है। सक्रिय परिवहन सांद्र प्रवणता के विरुद्ध होता है, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विभिन्न पोषक तत्वों जैसे एमिनो अम्ल, ग्लूकोज और सोडियम आयन का रक्त में अवशोषण इसी क्रियाविधि द्वारा होता है। वसाम्ल और ग्लिसरॉल अविलय होने के कारण रक्त में अवशोषित नहीं हो पाते। सर्वप्रथम वे विलय सूक्ष्म बूंदों में समाविष्ट होकर आंतरिक म्यूकोजा में चले जाते हैं, जिन्हें मिसेल कहते हैं। ये यहाँ प्रोटीन आस्तरित सूक्ष्म वसा गोलिका में पुनः संचरित होकर अंकुरों की लसिका वाहिनियों यानी लैक्टियल में चले जाते हैं। ये लसिका वाहिकाएं अंततः अवशोषित पदार्थों को रक्त प्रवाह में छोड़ देती है। पदार्थों का अवशोषण आहार नाल के विभिन्न भागों जैसे मुख,
आमाशय छोटी आंत और बड़ी आंत में होता है, परंतु सबसे अधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। अवशोषित पदार्थ अंत में उत्तकों में पहुंचते हैं, जहां वे विभिन्न क्रियाओं का उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन कहते हैं। पाचक अवशिष्ट मलाशय से कठोर होकर संबंध मल बन जाता है, जो तांत्रिक प्रतिवर्ती यानी न्यूरल रिफ्लेक्स क्रिया को शुरू करता है, जिससे मल त्याग की इच्छा पैदा होती है। मल द्वार से मल के बाहिक्षेपण एक इच्छक क्रिया है, जो एक बृहत क्रमाकुंचन गति से पूरी होती है। आंत्रनलिका की शोथ जीवाणुओं और विषाणुओं के संक्रमण से होने वाला एक सामान्य विकार है। आंत्र के संक्रमण परिजीवियों जैसे फीताकृमि, गोलकृमि, सूत्रकृमि, हुकवर्म, पिनवर्म आदि से भी होता है। पीलिया यानी जॉन्डिस, इसमें यकृत प्रभावित होता है। पीलिया में त्वचा और आंख पित्त वर्णकों में जमा होने से पीला रंग दिखाई देता है। जॉन्डिस के मरीज कुछ इस प्रकार दिखते हैं। वमन यानी वॉमिटिंग, यह आमाशय में संग्रहित पदार्थों के मुख से बाहर निकलने की क्रिया है। यह प्रतिवर्ती क्रिया मेडुला में स्थित वमन केंद्र से नियंत्रित होती है। उल्टी से पहले बेचैनी की अनुभूति होती है। प्रवाहिका यानी डायरिया, आंत्र के अपसामान्य गति और बारंबारता और मल का अत्यधिक पतला होना प्रवाहिका कहलाता है। इसमें भोजन अवशोषण की क्रिया घट जाती है। कोष्ठबद्धता यानी कब्ज, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं, कब्ज में मलाशय में मल रुक जाता है और आंत्र की गतिशीलता अनियमित हो जाती है। अपच यानी इनडाइजेशन, इस स्थिति में भोजन पूरी तरह नहीं पचता है और पेट भरा भरा सा महसूस होता है। अपच एंजाइमों के स्राव में कमी, व्यग्रता, खाद्य विषाक्तता, अधिक भोजन करने एवं मसालेदार भोजन करने के कारण होती है। इस वीडियो में हमने सीखा पाचित उत्पादों का अवशोषण और पाचन तंत्र के विकार और अनियमितताएं, और इसी तरह हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय अवकल समीकरण का भाग दो पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था अवकल समीकरण की भूमिका के बारे में तथा उसके कुछ आधारभूत संकल्पनाएं के बारे में। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन अर्थात अवकल समीकरण के व्यापक एवं विशिष्ट हल के बारे में जानने से पहले हम उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे कि आखिर ये व्यापक और विशिष्ट हल क्या होते हैं। मान लीजिए हमने एक इक्वेशन लिया है जो कि है x²-1=0। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे? तो दोस्तों, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इसका सोल्यूशन x की वो वैल्यू होगी जो कि इस इक्वेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रही होगी। तो वो x की वैल्यू होती है ±1, यानी कि अगर आप x की जगह पर 1 या फिर -1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये दोनों वैल्यू पर हमारे x की वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इसी प्रकार से हम डिफरेंशियल इक्वेशन में भी करते हैं। आइए अब हम ये देखेंगे अवकल समीकरण में। मान लीजिए हमने एक इक्वेशन लिया है d2y/dx2+y=0। अब यहाँ पर हमें अगर कहा जाए कि ये जो इक्वेशन है इसका आप जनरल तथा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताइए, तो ये आप कैसे बताएंगे? आइए जानते हैं उसके बारे में। यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि y की वैल्यू अगर हम a साइन x प्लस बी मान ले, तो ये वैल्यू जो है हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। आइए देखते हैं, जब हम इस y का अवकलज करेंगे अर्थात dy/dx ज्ञात करेंगे, तो वो यहाँ से हमें ये प्राप्त होगा a cos x + b।
इसी प्रकार से जब हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे अर्थात डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू फाइंड करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। अब जब आप डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पर वो इक्वल मिलेगा जीरो के। तो यहाँ पर आपको इससे क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो y की वो वैल्यू होगी जो कि आपके गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा y की वैल्यू है इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट शामिल है, अर्थात ये जो a और b आप देख रहे हैं ये है हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो वैसे सोल्यूशन जिसमें कि हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट इंक्लूड होते हैं वैसे सोल्यूशन को हम कहते हैं व्यापक हल अर्थात जनरल सोल्यूशन। और यहीं पे अगर मैं आपको ए और बी की वैल्यू दे दूं और फिर कहूं उससे सेटिस्फाई कराने के लिए इक्वेशन को तो वो वैल्यू कहलाएगी आपकी पर्टिकुलर सोल्यूशन। सपोज यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू बोली है 4 और बी की वैल्यू बोली है 3 तो जब आप इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू 4 sin x प्लस 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी आपको ये इक्वल्स टू 0 प्राप्त होगी। तो दोस्तों वैसे सॉल्यूशन जिसमें कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट इंक्लूडेड नहीं होते हैं वैसे सॉल्यूशंस हमारे कहलाते हैं विशिष्ट हल, अर्थात किसी पर्टिकुलर गिवन वैल्यू पर हमारे जो इक्वेशन होगी वो वहां पर सेटिस्फाई कर रही होगी तो वो हो जाएगा हमारे गिवन इक्वेशन का विशिष्ट हल अर्थात पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आइए इनकी परिभाषा देखते हैं अब हम। तो दोस्तों ऐसा हल जिसमें स्वेक्ष अचर उपस्थित हो अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है, यानी कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट जिस सॉल्यूशन में इंक्लूड होते हैं वैसे सॉल्यूशन हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के व्यापक हल कहलाते हैं अर्थात जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। और इसी प्रकार से ऐसे हल जो स्वेक्ष अचरों से मुक्त है अर्थात व्यापक हल में स्वेक्ष अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त हल हमारे अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कहलाता है, यानी कि जो हमारे सॉल्यूशन आए हैं उसमें अगर कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है अर्थात जो हमारा जनरल सॉल्यूशन है उसके जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू पुट करने पर हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमें कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है वैसा सॉल्यूशन कहलाते हैं हमारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसा कि आपने अभी एग्जांपल में देखा y जो हमने लिया था वो था a sin x plus b, यहाँ पर a और b की वैल्यू जब हमने पुट कर दी तो वही हो गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये थी थोड़ी बहुत जानकारी अवकल समीकरण के व्यापक एवं विशिष्ट हल के बारे में। आपको इस एक्सरसाइज में व्यापक तथा विशिष्ट हल ज्ञात नहीं करना है, आपको ये प्रश्न में दिया गया होगा और आपको ये दर्शाना है यहाँ पर कि जो दिया गया हल है क्या वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या नहीं। आइए बढ़ते हैं कुछ उदाहरण की ओर जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपको इस एक्सरसाइज में करना क्या है। उदाहरण लिया गया है, सत्यापित कीजिए कि फलन y बराबर e टू द पावर माइनस 3x अवकल समीकरण d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0 का एक हल है। तो आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमारे प्रश्न में ही दिया गया है y है जो है वो है हमारा बराबर e टू द पावर माइनस 3x के। हमारे अवकल समीकरण को सत्यापित करने के लिए हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी होगी dy अपॉन dx तथा d2y अपॉन dx2 की। तो आइए देखते हैं कि ये हम कैसे ज्ञात करेंगे हमारे गिवन y की वैल्यू से। तो दोस्तों अवकलज ज्ञात करना आप सबको अच्छी तरह से आता होगा, उसी प्रकार से हम dy by dx यहाँ पर ज्ञात करते हैं तो हमें यहाँ से प्राप्त होता है ये माइनस 3e टू द पावर माइनस 3x। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर d2y upon dx2 ज्ञात करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा 9e to the power minus 3x। अब जब हमारे पास d2y upon dx2 की वैल्यू आ गई है तथा dy upon dx की वैल्यू आ गई है तो चलिए अब हम इन सभी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो दोस्तों हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है d2y upon dx2 plus dy upon dx
माइनस 6y इज इक्वल टू 0। जब हम इस गिवन इक्वेशन में इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करते हैं तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो रहा है 9e टू द पावर माइनस 3x माइनस 3e टू द पावर माइनस 3x माइनस 6e टू द पावर माइनस 3x, जिसे जब आप पुनः हल करेंगे तो आपको यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा 0 के बराबर। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार से हमने ये सत्यापित किया कि जो हमें फलन दिया गया है y बराबर e टू द पावर माइनस 3x हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, अर्थात ये जो है y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 3x, ये है हमारा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है सत्यापित कीजिए कि फलन y बराबर a cos x प्लस b sin x, जिसमें a b दोनों R में हैं, अवकल समीकरण d2y upon dx2 plus y is equals to 0 का एक हल है। आइए देखते हैं अब हम इस प्रश्न को और सत्यापित करते हैं कि ये अवकल समीकरण का एक हल है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी हमें उसी प्रकार से चलना होगा। पहले हमें ज्ञात करना होगा d2y upon dx2 का मान, जो कि हम ज्ञात करेंगे पहले dy अपॉन dx का मान ज्ञात करके। तो चलिए पहले dy अपॉन dx ज्ञात करते हैं। dy अपॉन dx हमें यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा माइनस a sin x प्लस b cos x। इसी प्रकार से जब हम d2y अपॉन dx2 ज्ञात करेंगे तो वो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस a cos x माइनस b sin x। दोस्तों, अवकल समीकरण को करने के लिए आपको डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए, वरना आप डिफरेंशिएशन ही नहीं ज्ञात कर पाएंगे तो फिर आप इसे सत्यापित नहीं कर पाएंगे। चलिए, अब जब हमारे पास d2y upon dx2 तथा dy upon dx का मान आ गया है, तो चलिए हम इनके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। जब हम यहाँ पर इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा 0 के बराबर। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार से हम यहाँ पर ये सत्यापित कर रहे हैं कि जो हमें फलन दिया गया है वो हमारे अवकल समीकरण का हल है या नहीं। इसी प्रकार से आप और भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको इसी प्रकार का कार्य करना है। चलिए अब हम एक और उदाहरण देखते हैं, जो कि है सत्यापित कीजिए कि फलन y बराबर अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, अवकल समीकरण dy अपॉन dx बराबर xy अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का एक हल है। आइए देखते हैं कि इसे हम कैसे प्रूव करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमें जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, y जो है वो बराबर है अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर का, जिसका जब हम अवकलज ज्ञात करेंगे तो यहाँ से ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन dx ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। जिसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें dy by dx मिल जाएगा 2x अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, जिसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। चूंकि हमें यहाँ पर dy upon dx is equals to xy upon 1 plus x square लाना है, तो अब हम यहाँ पर हमारे प्राप्त किए गए dy upon dx में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे अंडर रूट 1 प्लस x square, जहाँ से आप अंडर रूट 1 प्लस x square जो आपके न्यूमरेटर में है वहाँ पर आप y पुट कर देंगे तो आपको जो dy by dx है वो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में मिल जाएगा, अर्थात dy by dx आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा xy upon 1 plus x square के बराबर। जिससे कि यहां पर आपने देखा कि किस प्रकार से हम गिवन फंक्शन को प्रूव कर पा रहे हैं कि ये जो है हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। तो दोस्तों, इसी प्रकार का कार्य करिएगा आप अपने इस एक्सरसाइज में, जिससे कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। इसके बारे में हम और अच्छी तरह से हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप आज के वीडियो पर आधारित प्रश्नों को जरूर कीजिएगा, जो कि आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, मानव स्वास्थ्य और रोग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्रग के प्रकार, किशोर अवस्था और ड्रग पे व्यसन और निर्भरता,
ड्रग और अल्कोहल कुप्रयोग के प्रभाव एवं रोकथाम। ड्रग के प्रकार। मॉर्फीन एक बहुत ही प्रभावी सेडेटिव और पीड़ाहार है। जिन रोगियों की सर्जरी हुई है उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी है। विभ्रमी गुण वाले अनेक पादपों, फलों, बीजों का विश्व भर में लोग औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। कुछ और ड्रग्स जैसे कि बारबिट्यूरेट्स, एम्फेटामीन्स, बेंजोडाइजेपिन्स और लिसर्जिक एसिड डाइएथाइल अमाइड्स डिप्रेशन और इंसोम्निया जैसे मानसिक रोगों के उपचार में लाभदायक है। जब यह औषधि चिकित्सा के बजाय दूसरे उद्देश्य से ली जाती है या इतनी मात्रा में इतनी बार ली जाती है कि व्यक्ति के शारीरिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को गड़बड़ा देती है तो यह ड्रग के कुप्रयोग बन जाते हैं। आमतौर पर इन ड्रगों का कुप्रयोग किया जाता है वह है ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स और कोका अल्कलॉइड्स। ओपियोइड्स। हेरोइन या स्मैक एक ओपियोइड है। ओपियोइड ऐसे ड्रग हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र पथ में मौजूद रिसेप्टर से बन जाते हैं। हेरोइन एक सफेद गंधहीन कंपाउंड है जो मॉर्फीन के डीएसिटाइलेशन से प्राप्त होता है, जो कि पोस्त के पौधे पैपिवर सोमनिफेरम के लैटेक्स द्वारा प्राप्त की जाती है। यह रासायनिक रूप से डाइएसिटाइल मॉर्फीन है। हेरोइन सांस लेकर या टीके द्वारा ली जाती है। यह एक डिप्रेसेंट है जो शरीर के प्रक्रियाओं को धीमा कर देती है। कैनाबिनोइड्स रसायनों का समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनोइड रिसेप्टर से बन जाते हैं। प्राकृतिक कैनाबिनोइड्स कैनबिस सैटिवम के इनफ्लोरेसेंस से प्राप्त की जाती है। फूल के शीर्ष, पत्तियों और रेजिन के विभिन्न संयोजन से मारिजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनाने के काम आते हैं। आमतौर पर अतिश्वसन और मुंह द्वारा खाए जाने वाले मादक द्रव्य शरीर के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। यह खिलाड़ी अपने परफॉर्मेंस को बढ़ावा देने के लिए भी लेते हैं। कोका अल्कलॉइड्स जिसे कोकेन, कोक या क्रैक के नाम से जाना जाता है। यह इराइथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है जो कि मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है। यह एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम डोपामीन है, वह डोपामीन के परिवहन में बाधा डालता है। इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार स्टिम्युलेटिंग असर पड़ता है जिससे कि मनुष्य को यूफोरिया और ऊर्जा में वृद्धि अनुभूति होती है। कोकेन जो श्वास सांस द्वारा अंदर ली जाती है उससे हैलुसिनेशन हो सकता है। अन्य प्रसिद्ध पादप जिनमें हैलुसिनेजेनिक गुण होते हैं वह है एट्रोपा बेलेडोना और दतूरा। तंबाकू में भी बहुत सी रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें से एक है एल्कलॉइड निकोटीन। निकोटीन एड्रेनल ग्लैंड को उत्पीड़ित करते हैं जिससे एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन रक्त में छोड़ी जाती है। यह रक्तचाप और हृदय संपादन दोनों को बढ़ा देती है। तंबाकू से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। धूम्रपान से लंग, गले और मूत्राशय के कैंसर, हृदय रोग, ब्रोंकाइटिस, इम्फाइसेमा और गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। तंबाकू धूम्रपान जैसे पिया जा सकता है या चबाया भी जा सकता है। तंबाकू चबाने से मुंह के कैंसर के खतरे को बढ़ा देती है।
कानूनी तौर पर हर सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी होती है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, परंतु आजकल फिर भी युवा और वृद्ध ड्रग्स और धूम्रपान का कुप्रयोग करते हैं, जिसके कारण इसकी लत लग जाती है। किसी भी लत से छुटकारा पाने के लिए परामर्श तथा चिकित्सा सहायता की जरूरत होती है। किशोर अवस्था, व्यसन और निर्भरता। किशोर अवस्था का अर्थ एक अवधि और एक प्रक्रिया दोनों से है, जिसके दौरान एक बालक समाज में अपनी प्रभावी सहभागिता के लिए अपनी वृत्ति और विश्वास के अनुसार परिपक्व होता है। 12 से 18 वर्ष की आयु की अवधि को किशोर अवस्था माना जा सकता है। किशोर अवस्था किसी व्यक्ति का मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास का बहुत ही नाजुक समय है। दूसरे शब्दों में किशोर अवस्था बचपन और पौड़ता को जोड़ने वाला एक पुल है। जिज्ञासा, जोखिम उठाना और उत्तेजना के प्रति आकर्षण और प्रयोग करने की इच्छा ऐसे सामान्य कारण हैं जो किशोरों को ड्रग तथा अल्कोहल के लिए अभी प्रेरित करते हैं। इस जिज्ञासा के कारण ड्रग और अल्कोहल का पहली बार सेवन जिज्ञासा या प्रयोग करने के कारण हो सकता है, लेकिन बाद में बच्चे इनका उपयोग मुश्किलों का सामना करने से बचने के लिए करने लगते हैं। शैक्षिक क्षेत्र में सबसे आगे रहने का दबाव या परिवार में अस्थिरता या मित्रों का दबाव, जिसे पीयर प्रेशर भी कहते हैं, किशोरों को ड्रग या अल्कोहल आजमाने के लिए फुसलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। युवकों में यह बोध भी है कि धूम्रपान या अल्कोहल का सेवन व्यक्ति को कूल बनाता है। यह इन आदतों को शुरू करने का मुख्य कारण है। इस बोध को बढ़ावा देने में टेलीविजन, सिनेमा, समाचार, इंटरनेट ने भी सहायता की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्कोहल और ड्रग के व्यसनी प्राकृतिक है, लेकिन व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता। ड्रगों और अल्कोहल के प्रति लत एक मनोवैज्ञानिक अशक्ति है। सुख भास, यूफोरिया की अनुभूति व्यक्ति को उस समय भी ड्रग एवं अल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करता है जब उनकी जरूरत नहीं होती या जब उनका इस्तेमाल आत्मघाती हो सकता है। जब ड्रग या अल्कोहल का बार बार प्रयोग होने लगे, उसे व्यसन या एडिक्शन कहते हैं। ड्रग के बार बार उपयोग से हमारे शरीर में मौजूद ग्राहियों को सहाय स्तर बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप ग्राही ड्रगों या अल्कोहल की केवल उच्चतर मात्रा के प्रति अनुक्रिया करती है, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में लेने की मनुष्य को लत लग जाती है। इस प्रकार ड्रग और अल्कोहल की व्यसनी शक्ति उन्हें इस्तेमाल करने वालों को एक दोषपूर्ण चक्र में घसीट लेती है, जिससे इनका कुप्रयोग होता है और इस लत से निकलना उनके बस में नहीं होता। मार्गदर्शन के बिना व्यक्ति व्यसनी से नहीं निकल सकता। निर्भरता शरीर की वृत्ति है जो ड्रग या अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक से बंद कर देने पर होती है। इसे हम विनिवर्तन संलक्षण के रूप में देखा जा सकता है। इसके कुछ अभिलक्षण हैं: चिंता, कंपन, मिचली, पसीना आना। यह ड्रग से छुटकारा पाने में और तकलीफ देता है। कुछ मामलों में विड्रॉल सिंड्रोम गंभीर हो सकता है और जीवन के लिए खतरनाक भी, तथा व्यक्ति को चिकित्सा की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए किशोर अवस्था में घर वालों और स्कूलों का साथ बच्चों को ड्रग और अल्कोहल के चपेट से बचा सकता है। ड्रग और अल्कोहल कुप्रयोग के प्रभाव। ड्रग्स की अत्यधिक मात्रा से रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर या सेरेब्रल हैमरेज हो सकता है, जिससे कोमा या मृत्यु भी हो सकती है। इसका तात्कालिक प्रतिकूल प्रभाव अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होता है।
ड्रग्स और अल्कोहल का साथ में सेवन ओवरडोज बन सकता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। इनका दीर्घकालिक सेवन तंत्रिका तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे यकृत की क्षति या सिरोसिस भी हो सकती है। गर्भ अवस्था के दौरान इनका उपयोग गर्भ को क्षति पहुंचा सकता है। ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग के सामान्य लक्षण हैं विनिवर्तन, अक्रामकशील, व्यक्तिगत स्वच्छता की रुचि में कमी, अवसाद, थकावट, एकाकीपन और विरोधी व्यवहार। कभी कभी परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध और सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन भी लक्षण होते हैं। युवकों में शैक्षिक क्षेत्रों में प्रदर्शन में कमी, स्कूल या कॉलेज में अनुपस्थिति, भूख और वजन घटना लक्षण होते हैं। अगर कुप्रयोगता को ड्रग या अल्कोहल खरीदने के लिए पैसे नहीं मिलते तो वह चोरी का सहायता भी ले सकता है। इससे परिवार और मित्रों और अध्यापकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो इंट्रावीनस ड्रग्स लेते हैं उनमें एड्स और हेपेटाइटिस बी के संक्रमण में आने का खतरा भी बढ़ जाता है। संक्रमित व्यक्ति के साथ सुइयों का मिल बांट के इस्तेमाल करने से एड्स और हेपेटाइटिस का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण हो सकता है। ड्रग का कुप्रयोग खिलाड़ियों में भी होता है। वे खेलों में नारकोटिक पीड़ाहार, स्टेरॉइड्स, मूत्रल द्वार या डायूरेटिक्स और हॉर्मोन्स मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने और आक्रामकता को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। महिलाओं में स्टेरॉइड्स टेस्टोस्टेरोन और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बढ़ा देता है, जिससे कि मुंह और शरीर में बाल की वृद्धि, क्लिटोरिस की वृद्धि, मैस्कुलिनाइजेशन यानी पुरुष जैसे लक्षण दिखने लगते हैं और असामान्य आत्रव चक्र। पुरुष में स्टेरॉइड्स की अत्यधिक उपयोग से टेस्टिकल्स के आकार में घट जाती है, शुक्राणु या स्पर्म्स की उत्पादन में कमी, प्रोस्टेट ग्लैंड में वृद्धि और मुहासे। रोकथाम और नियंत्रण। पुरानी कहावत है, चिकित्सा से रोकथाम अच्छी है। धूम्रपान, अल्कोहल या ड्रग से किशोर एवं सभी व्यसनग्रस्त लोगों को बचाना आवश्यक है। इसके नियंत्रण के लिए माता पिता और समक्षियों की सहायता आवश्यक है। सही मार्गदर्शन से इनके प्रयोग से बचा जा सकता है। आवश्यक समक्षी दबाव से बचने भी अनिवार्य होता है। बच्चों पे उनके सीमा से अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। शैक्षिक स्तर पर अत्यधिक स्पर्धा से भी बचना चाहिए। शिक्षा और परामर्श से बच्चों को दबाव से सामना करना सीखना होगा। इसके लिए बच्चों की ऊर्जा को खेलकूद, नृत्य, संगीत, अध्ययन की दिशा में भी लगाना चाहिए। समस्याओं और दबावों का सामना करना और निराशियों तथा असफलता को जीवन का हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा एवं परामर्श इन बच्चों को देना चाहिए। संकेत के संकेतों को देखना, सावधान माता पिता और अध्यापकों के ऊपर बताए गए खतरों के संकेत पर ध्यान दें और उन्हें पहचानें। दोस्तों की अच्छी संगति भी इन कुप्रयोग से हमें बचा सकती है। आखिरी, जो व्यक्ति दुर्भाग्यवश ड्रग और अल्कोहल के चपेट में आ चुका है, उन्हें व्यावसायिक और चिकित्सा सहायता लेना चाहिए, ताकि वह इंसान को मृत्यु से बचा सके।